हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी टॉपर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन। जब इस टॉपिक में आपके एग्जाम में पैराग्राफ राइटिंग आए तो आप किस तरीके से आंसर राइटिंग करें, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको हिंदी मीनिंग भी बताएंगे जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ये क्वेश्चन 9th से 12th में पूछा जा सकता है। अगर आप बीएससी करते हैं तो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में भी रोल ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन की पैराग्राफ राइटिंग आ सकती है। तो चलिए देखते हैं कि जब ये आपके एग्जाम में आए तो किस तरीके से लिखें। ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर में भी दिया हुआ है तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। चलिए देखते हैं रोल ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन। An importance of internet as a learning tool is significant. एक शिक्षण उपकरण के रूप में इंटरनेट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। The development of internet technologies has raised the education level in all countries and it has changed the way students are being taught at school. इंटरनेट प्रौद्योगिकी के विकास ने सभी देशों में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाया है और इसने छात्रों को स्कूल में पढ़ाने के तरीकों को भी बदल दिया है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ। इंटरनेट एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स एंड अदर पीपल क्वेश्चंस इन रियल टाइम। इंटरनेट एप्लीकेशन जो है वास्तविक समय में छात्रों और अन्य लोगों के सवालों का जवाब देते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर आप रोल ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन सर्च करेंगे YouTube में तो आपको तुरंत इस तरीके के वीडियोस या ये वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो ये क्या है, इंटरनेट, ठीक है। स्टूडेंट्स आर सीइंग गूगल एज अ न्यू टीचर एंड द इंटरनेट एज अ स्कूल। छात्र गूगल को एक नए शिक्षक और इंटरनेट को एक स्कूल के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे, इंटरनेट हैज बीन क्रूशियल इन द इवोल्यूशन ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इन वेरियस वेज। इसका मतलब है हमारी शिक्षा प्रणाली के विकास में इंटरनेट विभिन्न तरीकों से महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। टीचर्स कैन यूज इट एज अ मॉडर्न टूल फॉर एजुकेशन। शिक्षक इसे शिक्षा के आधुनिक उपकरण के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट शुड प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन यूज टू गेट बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। शिक्षा विभाग को वह बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना चाहिए जिसका उपयोग शिक्षक और छात्र शिक्षा में प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त करने के लिए कर सके, ठीक है। एंड लास्ट पैराग्राफ इज, इंटरनेट प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ बुक्स एंड मटेरियल्स टू स्टडी एंड रेफरेंस मटेरियल्स टू ऑल स्टूडेंट्स कैन गेट इन डेप्थ नॉलेज जस्ट इन सेकेंड। इंटरनेट अध्ययन के लिए पुस्तकों और सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है और सभी छात्रों को संदर्भ सामग्री मतलब विस्तार में सामग्री प्रदान करता है कुछ ही सेकेंडों में, ठीक है। एंड लास्ट इज, देयर इज ऑल्सो अ वाइड रेंज ऑफ टर्मिनोलॉजी एंड इट्स मीनिंग अवेलेबल। यहाँ शब्दावली और उसके अर्थ की भी एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध होती है। अबव ऑल द मैटर कैन बी गैदर्ड इन एनी ऑफ द लैंग्वेज। ऊपर की बातें देखी जाएं, तो इसका मतलब है कि किसी भी भाषा में हमें इंटरनेट से ज्ञान प्राप्त होता है या बातें इंटरनेट से इकट्ठी होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में अपना सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।